यस सर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए और मैं लिख देता हूँ इस पे। At 200 volts, 50 hertz. Inductive circuit. Draws 10 ampere. Draws 10 amperes at 30 degrees lag. Find all circuit parameters. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर है? देखिए एक बार, एट 200 वोल्ट्स 50 हर्ट्स इंडक्टिव सर्किट, एट 200 वोल्ट्स 50 हर्ट्स इंडक्टिव सर्किट। अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे आपको भी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। सो प्रॉब्लम देखिए, 200 वोल्ट 50 हर्ट्स इंडक्टिव सर्किट इज ड्रॉइंग 10 एम्पियर्स एट 30 डिग्रीज लैग। ओके, फाइंड ऑल सर्किट पैरामीटर्स, फाइंड ऑल सर्किट पैरामीटर्स करिए। सबसे पहले क्या करना है, जब सवाल मिलेगा, प्रॉब्लम मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना होगा सर? जो क्वांटिटीज गिवन है उसको लिखना एक जगह। हाँ जी सर, जो क्वांटिटीज मेंशन है क्वेश्चन में वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद सर्किट सर ड्राइंग बनानी, डायग्राम बनाएंगे, सर्किट डायग्राम। हाँ, क्या क्या करना है सर? सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम, यस। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें और पैरामीटर्स जो दिए हैं वो तीन चार पैरामीटर्स है, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, एम्पियर्स एंड फेज एंगल। ठीक है, तो बाकी चीजें क्या है आपको फाइंड ऑल सर्किट पैरामीटर्स, मतलब क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वो देखिए, व्हाट यू से, सर्किट डायग्राम देखिए। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में सोर्स तो है ही, ये तो पता है कि 200 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज का एसी सिंगल फेज सोर्स है। यहाँ भले ही बताया नहीं है कि सिंगल फेज है या नहीं है, लेकिन ये क्लियरली सिंगल फेज ही है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, सो 200 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज का सोर्स, ये कहाँ जा रहा है? इंडक्टिव सर्किट में जा रहा है। इसका मतलब इंडक्टिव लोड, इसका मतलब इंडक्टिव लोड है। और दिस इज ड्रॉइंग 10 एम्पियर्स और इसका एंगल जो है 30 डिग्रीज लैग है, तो फेज एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्रीज लैग। ठीक है, फेज एंगल इज 30 डिग्रीज लैग। अब ये बताओ सर, फाइंड ऑल सर्किट पैरामीटर्स का मतलब क्या है? क्या फाइंड करना है? सर
सर इंडक्टिव रिएक्टेंस राइट आर एल एक्स ठीक है पावर यस या ये सब अभी फिलहाल इस सवाल में ठीक है सब करिए वैसे पावर तो पूछा नहीं गया है पावर पूछा नहीं गया बट फिर भी आप सर्किट सब सब कुछ फाइंड करिए मतलब यू हैव टू फाइंड आउट अच्छा ये बताओ आर होगा कि नहीं होगा ये तो इंडक्टिव लोड बताया है नो सर हाँ नो सर आर है या नहीं यस और नो में बताइए मधुर ने तो कहा यस और शुभम ने भी कहा यस कोई बोलता है नहीं somebody is there anybody who says no तो यू ऑल से दैट रेसिस्टेंस होगा है ना दिस इज व्हाट यू से है ना यू मीन रेसिस्टेंस होगा तो इसका मतलब एक्चुअली ये जब तक प्योर देखिए प्योर इंडक्टिव लोड की बात जब तक नहीं आती ना ये तो नहीं है यहां पर तो जब तक प्योर इंडक्टिव लोड नहीं है तब तक आपका रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टर भी होगा डायग्राम में देखा आपने इज इट क्लियर इज दिस क्लियर डायग्राम आप देखिए रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों मैंने ड्रॉ किया है इसमें इफ इट वर ओनली प्योर इंडक्टिव लोड देन रेजिस्टेंस वॉज नॉट देयर देर वॉज ओनली I mean there would have been only inductance in this case but because it is not a pure inductive load case you will have both resistance and inductance is this okay to ab find kariye aap log it's not tough at all aap to aaram se find kar sakte hain करके मुझे बताइए कोई ना कोई somebody प्लीज टेल मी आर 17.32 राइट आर 17.32 इज राइट आर कैसे फाइन करते हैं देखिए R इज इक्वल टू वी बाई आई नहीं होगा ना सीधा R इज इक्वल टू वी बाई आई सही है वैसे इस सर्किट में टेल मी R इज इक्वल टू वी बाई आई ठीक है इस सर्किट में नो सर क्यों ओम्स लॉ तो सही है ना ये क्यों गलत है तो यहाँ पे इंपेडेंस होगा ना यहाँ पे इम्पीडेंस होगा ना सर इम्पीडेंस का रिलेशन तो क्या होगा इस इक्वेशन को करेक्ट करके बताओ z इक्वल टू v बाय i वेरी गुड z इज इक्वल टू v बाय i तो ये तो पता है v इज 200 i इज 10 तो z आपका 20 ओम्स आ गया बस z आ गया तो बाकी सब कुछ आ जाएंगे ओके तो फर्स्ट स्टेप में मैंने z निकाल दी सो यू कैन और ये इंडक्टेंस होगा क्या और ये z होगा क्या R प्लस जे एक्सएल होगा है कि नहीं इसको देख के बताइए R प्लस जे एक्सएल ही होगा ना ये यस सर हाँ तो Z पता है अब आपको R और XL फाइंड करना है एक बार XL आ जाएगा तो L भी आ जाएगा ठीक है तो Z आपका 20 ओम्स है तो R इज इक्वल टू और cos phi इज इक्वल टू R बाई Z ये जानते हैं सब लोग यस सर पावर फैक्टर ठीक है तो यहां से आपको आर निकल जाएगा यहां से आर निकल जाएगा जेड पता है कॉस फाई में फाई भी पता है तो यहां से आर क्या आया 17.32 ओम्स आ जाएगा और एक बार आर आ गया तो एक्सएल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर सॉरी अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये भी जानते हैं सब लोग यस सर हाँ बस तो एक्सेल भी आ जाएगा एक्सेल कितना है बताओ किसको आया एक्सेल
एक्सेल वैल्यू 10, साथ में ओम्स भी लिखा करो आप, ठीक है, 10 ओम्स, ओके, सो एक्सेल इज 10 ओम्स, आ गया सर? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? सर सो ठीक है, फिर उसके बाद एल आएगा, एल कैसे मिलेगा आपको? एक्सेल डिवाइडेड बाई पाई एफ, है ना, यही है एक्सेल, एल इज इक्वल टू एक्सेल डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ, इस इज ओके? यस सर। सो देन इट शुड बी एक्सेल डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ का ये आएगा, इसका आंसर कितना आएगा एल का? 0.0318। वैभव एक बार चेक कर लो, डेसिमल में कोई गलती तो नहीं है? 0.03 नहीं आएगा शायद, 0.318 आएगा, चेक करके आप बताओ, शायद मैंने तो नहीं गलती कर दी। पॉइंट 0318 सबको? यस सर, यही आ रहा है 0.03। हेनरी, और इसको आप 31.8 मिली हेनरी भी ले सकते हैं, इज इट और नॉट? 31.8 मिली हेनरी भी ले सकते हैं। अब आप आगे वो फाइंड कर सकते हैं, पावर एस पी क्यू, है ना, वो करके बताओ जल्दी। सामने आकाश साहू है, देखो वही प्रेजेंट कर रहा था ना, हाँ, तो किसी ने कहा P इज इक्वल टू 1732 वॉट्स, सही है, P इज इक्वल टू VI cos phi, सही है बिल्कुल, आंसर बताइए, 1732 आ रहा है, ओके, सो अगर मैं P इज इक्वल टू 1732 कैसे आया, VI cos phi, ठीक है, अब उसके बाद Q VI sin phi बताओ जल्दी, थाउजेंड, तुषार मित्तल, तानिया, आप दोनों ने जो निखिल गर्ग, आप तीनों ने एक कॉमन गलती की है, वो क्या है, दिव्या गुप्ता ने भी गलती किया है, तो वॉट नहीं आएगा, हाँ वॉट्स नहीं आएगा, बाकी लोग तो बिल्कुल ही बिना कुछ लिखे वो तो सेफ रह गए, सही मुझे बताओ उसमें लिख के सही यूनिट बताओ क्यू का, जल्दी क्या VAR है,
हाँ वी ए आर, सिद्धार्थ वी ए आर है, वी ए नहीं है, थाउजेंड वी, वी ए कैपिटल होंगे, आर स्मॉल होता है, ठीक है ऐसे लिखते हैं, या ठीक है तीनों स्मॉल भी लिख दो, कुछ बुक्स में ये फॉलो करते हैं, कुछ बुक्स में ये वाला फॉलो करते हैं, ठीक है तीनों स्मॉल लिख सकते हैं या फिर वी ए कैपिटल और आर स्मॉल लिख सकते हैं, ठीक है। देन एस कितना हो गया फिर, 2000 वी ए, ओके। अच्छा 200 इंटू वी इंटू आई, आई कितना है 10, 2000 क्योंकि ये एग्जैक्टली 17.32, आर का एग्जैक्टली वो आया है आई स्क्वायर आर। अच्छा आई स्क्वायर 100,000, ठीक है 10 स्क्वायर इंटू आर 1732 है, 1732 होगा ना, 23 होगा, मैंने 23 लिखा है, गलत लिखा है इसका, ठीक है हो गए सारे, सारे हो गए, आई होप ऑल सर्किट पैरामीटर्स आर डन नाउ, ओके। अब इसी प्रॉब्लम को एक और थोड़ा सा मतलब डिफरेंट तरीके में करेंगे, सेम सेम पैरामीटर्स फाइंड करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूं, अब जब मैं वो कर दूंगा आप मुझे बताइए कि इस तरीके में और उस तरीके में फर्क क्या है। बेसिकली सर्किट डायग्राम वही रहेगा अभी भी, ठीक है सर्किट डायग्राम वही रहेगा अभी भी, लेकिन सर्किट डायग्राम में मैं क्या करूंगा, जो 200 वोल्ट्स है ना, ध्यान से देखिए सब लोग, मेरा अप्रोच थोड़ा सा बदल रहा है, आई एम सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम बट इन अ डिफरेंट मैनर बाय एक्सटेंडिंग सम यूजफुल थिंग्स। जैसे 200 वोल्ट्स का है तो मैं इसको 200 एंगल जीरो कर रहा हूं अभी, कैन आई डू दिस, हमें पता है ना हम लोग हमेशा वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस मान के उसको एंगल, उसका एंगल जीरो लेते हैं, यस और नो, है ना ओके। सो आई होप यू फॉलोड दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप ये है, तो इसके साथ साथ सेकेंड स्टेप मेरा ये होगा, देखिए जब मैंने वोल्टेज कर लिया तो करंट भी तो कर दूं, तो करंट क्या होगा मुझे बताइए कोई, करंट 10 ही लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा, जल्दी से सर, 10 एंगल 90 डिग्रीज, 10 एंगल 90 डिग्रीज, और कोई सर, आई एंगल माइनस 30, आई एंगल माइनस 30, तो आई यहां पर 10 है तो 10 एंगल माइनस 30 हुआ, ठीक है जिस किसी ने भी 90 बोला आप करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। क्लियरली क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है करंट इज ड्रॉन, करंट ड्रॉन इज 10 एम्पियर्स एट माइनस 30 डिग्रीज, और सॉरी एट 30 डिग्रीज लैग, है ना क्वेश्चन में ही दे दिया है एट 30 डिग्रीज लैग करके, तो करंट शुड बी 10 एम्पियर्स विथ एंगल माइनस 30। मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये लैग है इसलिए मैंने माइनस लिया है, और ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी कि इट्स एन इंडक्टिव लोड, सो फॉर एनी इंडक्टिव लोड करंट विल ऑलवेज लैग बिहाइंड वोल्टेज, तो जो भी एंगल दिया होगा सवाल में उसमें लैग अगर नहीं भी दिया हो तो आपको यहां माइनस 30 तो लेना ही पड़ेगा, ओके इसमें माइनस 30 लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये इंडक्टिव लोड है। इज दिस ओके, ये दोनों चीजें समझ में आ गए सबको, ये दोनों चीजें समझ में आ गई, यस सर। एक बार और बताना, अब मेरा तरीका अच्छा है, एक सेकंड, मैं अब क्या कर रहा हूं, फेजर अप्रोच ले रहा था मैं,
अभी जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ उसको फेजर अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं हर पैरामीटर को एक फेजर मानकर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या फेज दोनों को लेकर मैं सॉल्व करना चाह रहा हूँ अब की बार। पहले वाले केस में, इससे पहले वाले केस में मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड अप्रोच फॉलो किया है, मतलब उस समय मैंने एंगल्स वगैरह इस तरह नहीं लिया है, मुझे एंगल से कोई मतलब नहीं था, मैंने सीधा सीधा मैग्नीट्यूड फाइंड किया, करंट का मैग्नीट्यूड, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, एक्स का मैग्नीट्यूड, एल का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड, ऐसे। बट अब की बार मेरा अप्रोच में मैंने क्या कहा, मैं कुछ एक्सटेंड कर रहा हूँ, मैं क्या एक्सटेंड कर रहा हूँ, फेजर अप्रोच ले रहा हूँ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे एंगल भी लेना पड़ेगा। आर यू फॉलोइंग? तो दिस अप्रोच विल एक्चुअली गिव यू मोर क्लियर पिक्चर, इससे और आपको सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि मैंने क्या किया, 200 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज था और हम लोग हमेशा सप्लाई वोल्टेज को रेफरेंस मानकर हम सॉल्यूशन निकालते हैं, तो रेफरेंस माना है सप्लाई वोल्टेज को, तो वो 200 एंगल 0 डिग्रीज हो गया। नाउ इफ दिस इज 200 एंगल 0 डिग्रीज इन द करंट विच इज 10 एम्पियर्स इज लैगिंग बाई 30 डिग्रीज, प्रॉब्लम में दे दिया है ऑलरेडी, करंट ड्रॉन इज 10 एम्पियर्स एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज लैग। तो वही चीज मैंने यहां पर दिखा दिया फेजर के फॉर्म में, मतलब फेजर अप्रोच में हम हर पैरामीटर को वी 200 एंगल 0, हर पैरामीटर को मैग्नीट्यूड और फेजर दोनों में, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आई इज 10 एंगल माइनस 30, समझ गए? अब yes, जैसे पहले हमने किया था, जेड अभी भी ऐसे ही होगा, Z इज इक्वल टू वी बाई आई, इसमें कोई रिलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। बट यहां पर मैं क्या करूंगा, V इज अगेन 200 एंगल 0 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 10 एंगल माइनस 30, समझ गए ये? ठीक है, देन ये आएगा आपका 20 एंगल 30 डिग्रीज, इसमें कोई शक? No, sir. ये समझ गए ना 30 क्यों आएगा? Yes, sir. बस ये दोनों को, क्योंकि ये डिवीजन है, डिवीजन में आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 0 माइनस ऑफ माइनस 30 प्लस 30 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। सो नाउ देखो, V मैग्नीट्यूड प्लस फेज एंगल, I मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, अब Z भी मुझे मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में आ गया, समझ गए आप लोग? नाउ आर, आर बताइए, आर अप्रोच वैसे ही रहेगा, व्हाट डू यू से, आर बाय जेड इज इक्वल टू कॉस फाई से ही निकालेंगे और ये वैसे ही करेंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था आपको बताइए मुझे, 17.32 आएगा अभी भी। अब यहां पर क्योंकि हम फेजर अप्रोच ले रहे हैं तो इसके साथ इसका एंगल भी जोड़ना चाहिए हमें, आप बताओ इसका एंगल कितना होगा? जीरो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आप अगर ये आंसर नहीं बताते ना, मुझे लगता कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं आप लोगों को। 0 डिग्रीज रहेगा, क्यों बताओ क्यों? ये कौन सा कंपोनेंट है? और करंट ना तो लैग करते हैं ना लीड करते हैं, ये कौन सा कंपोनेंट हम फाइंड कर रहे हैं अभी? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टर्म के साथ हमेशा एंगल जीरो ही रहता है, याद नहीं है? रेजिस्टेंस हम हमेशा फेजर में कब कहां लेते हैं, रेफरेंस की तरह, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही लेते हैं हमेशा, फिर उसके रेस्पेक्ट में हम इंडक्टेंस ऊपर या कैपेसिटेंस नीचे लेते थे, याद है एक्सएल और एक्ससी? यस सर। हाँ, तो रेजिस्टेंस के साथ हमेशा जीरो एंगल ही रहेगा, आंखें बंद करके लिख सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल।
इज इट ओके, इज इट ओके, ओके। तो एक्सएल आगे जो है अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर कैलकुलेशन तो वैसे ही रहेगा, इसका कितना आया था 10 आया था, याद है ना, है ना, 10 ही आया था ना। यस सर। हाँ, लेकिन फिर इसका एंगल बताइए आप जल्दी। अगर नोट्स है तो वेरीफाई कर लो, एक्सेल के साथ आप क्या लेते हैं, राइट। आयुष आपने सही बताया है, माइनस 90 डिग्रीज, सॉरी प्लस 90 होगा, माइनस 90 यहां नहीं होगा, करंट में होता है माइनस, ये प्लस 90 होगा, सॉरी आयुष वो प्लस को करेक्ट कर लीजिए, मतलब 90 के साथ माइनस नहीं प्लस, R प्लस जे एक्स एल है ना, ये इम्पिडेंस क्या है, R प्लस जे एक्स एल है ना ये, तो प्लस जे एक्स एल कब आता है, प्लस जे मतलब ऊपर की तरफ है, प्लस जे मतलब ऊपर, ऊपर मतलब प्लस 90 ही आएगा। ओके, इसमें कोई डाउट है शिवानी, माइनस 90 नहीं है प्लस 90 है, ओके करेक्ट कर लेना। ओके, इसमें कोई डाउट है, ओके ओके, सो 10 एंगल 90 हो गया। तो अब देखिए आपके पास सारे फेजर्स आ गए, आई वी एक्स एल, सॉरी एल नहीं, आर जेड, सारे फेजर्स आ गए। आप चाहो तो इसका फेजर डायग्राम आप ड्रॉ भी कर सकते हो। तो फेजर अप्रोच से आपको हर पैरामीटर का मैग्नीट्यूड और उसके साथ फेज एंगल भी मिल जाता है, यह है फेजर अप्रोच, ठीक है। अब आगे से हम फेजर अप्रोच ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हमारा ज्यादा प्रॉब्लम्स और ज्यादातर हमारे लेवल के प्रॉब्लम जो है सारे फेजर अप्रोच वाले ही हैं। इज इट ओके, फर्स्ट दो प्रॉब्लम जो हमने नॉर्मल किया है उससे हमें एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए हमने किया, मैग्नीट्यूड्स निकालना बहुत आसान है, ठीक है, मैग्नीट्यूड्स निकालना बहुत आसान है, फेजर अप्रोच ही सबसे बेटर है। हाँ, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए जल्दी, ये समझ में आ गया ना, प्लीज अलाउ स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द मीटिंग, हो रहे हैं, ठीक है। तो कैन आई रब दिस नाउ, अब थोड़ा समझ में आया फेजर अप्रोच, यस सर, ओके। तो नेक्स्ट सवाल मैं लिख रहा हूं, देखिए ए सीरीज ठीक है, ए सीरीज आर एल सी सर्किट, हैज आर इज इक्वल टू 10 ओम्स। अच्छा, मैंने पिछले प्रॉब्लम में किसी में भी यूनिट्स नहीं लिखा है, शायद आप ऐड कर लीजिए सब में,
मतलब एंगल्स के साथ लिखने पर भी हम यूनिट्स वही लिखेंगे, ओम्स ओम्स ओम्स, आर का ओम्स, एक्सएल का ओम्स और जेड का भी ओम्स, ठीक है। ए सीरीज आरएलसी सर्किट हैज आर इज इक्वल टू 10 ओम्स, एल इज इक्वल टू 1 हेनरी एंड सी इज इक्वल टू 20 माइक्रो फैरेड, ठीक है, विथ ए 100 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज सप्लाई, ठीक है। देन फाइन इनपुट करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स। सबको दिख रहा है ये सवाल? योगेश बोर्ड दिखा दीजिए एक बार। यस सर। सबको दिख रहा है ना? यस सर। ओके सो यस सर, सवाल समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप क्या है? सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए। सर्किट डायग्राम देखिए, सप्लाई, ठीक है, और इस सर्किट में क्या है कंपोनेंट्स? सीरीज आरएलसी, आरएलसी इंडक्टर रेजिस्टर, आर एल और सी, ठीक है, आर एल और सी, एल और सी के साथ साथ एक्सएल और एक्ससी तो होंगे ही, ठीक है, और सप्लाई दिया है 100 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फेजर अप्रोच ही फॉलो करूंगा अब आगे से। तो 100 एंगल जीरो कर लिया मैंने, इस इज ओके, 100 एंगल जीरो कर दिया, बिकॉज सप्लाई वोल्टेज हम हमेशा जीरो डिग्री से शुरू करते हैं रेफरेंस को लेकर। नाउ आर का वैल्यू दे दिया 10 ओम्स, अगर R का वैल्यू 10 ओम्स दे दिया है तो 10 एंगल जीरो ले सकता हूं कि नहीं, आप बताओ। yes, R, है ना, कैन आई टेक इट, R इज इक्वल टू 10 एंगल जीरो, है ना? यस सर। ठीक है, तो L कितना आया था, मतलब सॉरी L का वैल्यू 1 हेनरी दिया है, तो XL कितना होगा मुझे जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। थ्री फोर्टीन पॉइंट वन फाइव नाइन ओम्स है ना? सो 314.159 इसको मैं एंगल के साथ लेना पड़ेगा मुझे एक्सेल, तो एंगल कितना होगा? 90 ठीक है। रत्नेश कुमार, रत्नेश कुमार, हेलो हेलो सर, आप ऑनलाइन हो यहाँ पर? हाँ सर ऑनलाइन है। हाँ जोर से बोलिए सर। यस हेलो सर, मेरे सर डीआई ऑफिस से मेरा अकाउंट ना तो अकाउंट ही बंद पा रहा है। रत्नेश कुमार बोल रहा है? हाँ सर, यार सर, यस सर। दो लोग बोल रहे हैं या एक बोल रहे हैं? एक ही लोग बोला सर, यस सर। हाँ टीचर्स डे है आज सर, टीचर्स डे है ना आज, सब लोग एटलीस्ट विश तो कर रहे थे, ठीक था, मैंने कुछ बोला नहीं आपको, थोड़ा सा भी तमीज नहीं है, क्लास चल रहा है, आप कौन से सवाल कर रहे हो अभी इस समय? हाँ सॉरी सर, क्लास के बाद नहीं पूछ सकते थे? मैं लगातार हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम करते करते, और सडनली मैंने देखा कि diFOE.org का लॉगिन नहीं हो रहा है, ये थोड़ी टाइम है पूछने के लिए इसको। सॉरी सर, थोड़ा अपना अकल लगाओ भाई,
अगर मेरे पास बहुत सारे मेल्स हैं जो लड़के करते हैं, अगर आपको नहीं हो रहा है तो मेल में करो, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा या कुछ और कर दूंगा। बट ये थोड़ी है क्लास के बीच में सडनली आपने एक तीर मार दिया अंधेरे में। सर मैं सर आपके पास मेल आईडी नहीं थी सर, कॉन्टेक्ट भाई तुम कॉन्टेक्ट आईडी नहीं थी इसलिए सर। मेरा मेल आईडी सबके पास है, बस ये डिस्कशन बंद करो, क्लास सुनो पहले। अगर क्लास नहीं सुनना है तो लॉगिन मत होना और डिस्टर्ब मत करना ऐसे, एक कॉमन सेंस की बात है, ये सबके लिए बोल रहा हूं। क्लास के टॉपिक के बारे में कुछ बोलना है तो चैट बॉक्स में लिखिए, अननेसेसरी बात चैट बॉक्स में एटलीस्ट क्लास के समय मत लिखिए। कैन यू अंडरस्टैंड, आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हो मुझे, तो कम से कम इसका पालन तो करिए आप लोग। रत्नेश क्लास के बाद पूछिए, मैं इसका जवाब दूंगा आपको, ठीक है? ओके ओके सर। हाँ तो एक्सेल 314.159 आया है और एंगल 90 डिग्रीज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्सी का बताओ जल्दी फटाफट। हाँ आयुष ने लिख दिया है 159.154, ले लूँ वही 154 एंगल, ठीक है सही है 159.154, ठीक है। बाकी लोग मुझे एक दो और लोग भी कंफर्म करके बताइए वैल्यू 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 माइनस 90 एंगल वैल्यू, ठीक है एक्स सी का 159.154। माधुरी वर्षा वैभव आप सब लोग एंगल बता रहे हैं मुझे, वैल्यू भी कंफर्म करिए 159.154 एंगल, ठीक है माइनस 90 है। हाँ ठीक है यस सर, ठीक है तो माइनस 90 का मैंने ले लिया है इसमें एक्ससी का, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास पैरामीटर्स के सारे आ गए, सारे पैरामीटर्स जो एटलीस्ट गिवन पैरामीटर्स है उन सबका हमने फेजर अप्रोच में लिख दिया सारे वैल्यूज। देखिए वी फेजर, आर फेजर, एक्सएल फेजर, एक्ससी फेजर, समझ गए ना सब लोग? यस सर। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, इनपुट करंट फाइंड करना है, ठीक है। इनपुट करंट कैसे फाइंड करोगे बताओ? I इनपुट करंट इज इक्वल टू V बाई Z है, ये सही है कि नहीं? इज इस ओके? यस सर। यस सर। भाई इससे पहले वाले प्रॉब्लम ने हमने उल्टा यूज किया, Z इज इक्वल टू V बाई I, यहां पर हमें I चाहिए V बाई Z, लेकिन Z पता है क्या यहां पर अभी दिया हुआ है Z? नो सर, दिया नहीं है। तो फाइंड करो Z इज इक्वल टू आर आर प्लस प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्ससी, इसमें कोई शक? नो सर। Z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्ससी, सी ये सही है कि नहीं? यस सर। है ना सर? ठीक है तो अब मैं क्या करूंगा, R मतलब 10 प्लस JXL, JXL मतलब JXL कितना है 314.159 माइनस J159.154। अब देखिए ये आएगा 10 प्लस J155, बताओ मुझे सही बताओ ये 10 प्लस 155, मैंने राउंड फिगर कर दिया, ठीक है ये? .005 आएगा सही है, ये ना .005 आएगा ना 155? यस सर सही है। तो तीन डेसिमल का नहीं, हम दो डेसिमल का ले लेंगे तो 155 तक हो जाएगा, ठीक है। इस इज ओके? यस सर। दिस इज माय ओम्स मतलब Z, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्मेट है?
ए प्लस जे बी का फॉर्मेट है ये, और इसको कहते हैं हम, क्या नाम दिया है हमने इससे पहले, रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं इसको, याद है मैंने एक बार बताया भी था आपको। इस फॉर्मेट मतलब एक फेजर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ये, और इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्मेट, रेक्टेंगुलर फॉर्म। और इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्म है जो आर एंगल थीटा के फॉर्म में होता है, जिसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं। दिख रहा है सबको ये क्लियरली? कैन यू सी दिस? रेस्पॉन्ड करिए, कैन यू क्लियरली सी दिस, दीज टू? यस सर। ओके, तो ए प्लस जे बी इज रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड आर प्लस आर एंगल थीटा इज पोलर फॉर्म। अब देखिए ये पोलर फॉर्म है कि नहीं? आर एंगल थीटा, आर इज मैग्नीट्यूड, एंगल इज फेज एंगल। 10 एंगल थीटा, 10 इज मैग्नीट्यूड, एंगल इज फेज एंगल। 314.159 एंगल 90, सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज फेज एंगल। तो ये सब हमारे वैल्यूज जो है ये पोलर फॉर्म के हैं। और यहां पर मैंने जो लिखा है वो ये कौन से फॉर्मेट में है? ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, ठीक है? योगेश कह रहा है कि सर वोल्टेज का फेज एंगल जीरो कैसे है? सर वोल्टेज हमेशा हम रेफरेंस फेजर मानते हैं, रेफरेंस मतलब उसको जीरो एक्सिस मानते हैं या जीरो फेजर मानते हैं, ठीक है? तो इसीलिए उसका फेज एंगल हमेशा जीरो लिया जाता है। जब तक वोल्टेज के लिए स्पेशली कोई एंगल दिया नहीं जाता फेज एंगल, तब तक हम इसको हमेशा एंगल जीरो डिग्रीज ही लेंगे। ओके, दिस इज ओके देन। तो अभी जेड आपको रेक्टेंगुलर जेड, हाँ बोलिए। आपने ये जेड इक्वल टू सर, जो आपने जेड इक्वल टू ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा है, हाँ। हम इसको जो हम लोग पहले यूज करते थे जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वो वाला यूज नहीं कर सकते आप? बताओ इम्पीडेंस ट्रायंगल का यूज करके आप बताओ उसको यूज करने से क्या होगा? बताओ कर सकते हैं लेकिन क्या होगा बताओ? सर उससे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हाँ तो मैग्नीट्यूड ही तो आया, मुझे तो दोनों चाहिए था, है ना? है ना, मुझे दोनों चाहिए था ना? मैं तब से यही तो कह रहा हूं, हम फेजर अप्रोच की बात कर रहे हैं। जब हम फेजर अप्रोच की बात कर रहे हैं तब हमें मैग्नीट्यूड के साथ फेज एंगल भी लेना है, तो इसीलिए मैंने ये वाला अप्रोच लिया। लेकिन अभी भी मुझे मैग्नीट्यूड और फेज एंगल दोनों नहीं मिले, मुझे अभी सर मुझे अभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिला है। मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं ताकि मैं फेज एंगल मतलब मैग्नीट्यूड और फेज एंगल में लिख सकूं, ठीक है? कन्वर्जन देखो कैसे आता है। अगर ए प्लस जे बी है आपके पास और उसको आर एंगल थीटा में कन्वर्ट करना है, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स बी बाई ए, दैट्स ऑल। ये कर दो तो आपको आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ यहां पर इसका कन्वर्जन करके बताइए, आर क्या आएगा? अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 155 स्क्वायर आएगा, ये मेरा मैग्नीट्यूड हो गया आर। और उसके बाद एंगल में मुझे क्या लिखना है? टैन इनवर्स 155 डिवाइडेड बाय 10। समझ गए कि नहीं आप लोग? ये कन्वर्जन है। ओके, इस इज ओके? यस सर। हाँ बस ये ना एक्चुअली सर आपका क्लास है नेक्स्ट, मेरे बाद आप ही क्या है? अच्छा ठीक। एक्चुअली ये जो कन्वर्जन है ना, मैंने तो आपको बोर्ड पे मैथमेटिकली बता दिया है, कैलकुलेटर में आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर यूज करने में मतलब हाथ चलते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस कन्वर्जन द कैलकुलेटर डायरेक्टली। खैर आज वो नहीं बताऊंगा, अगले क्लास में मैं बता दूंगा उसको वो कैसे करते हैं। लेकिन फिलहाल
दिस इज मोर सिंपल एक्चुअली, ये तो सिंपली आप कर सकते हैं, आपको ऑलरेडी a प्लस जे भी पता है, a और b है, आपको r निकालना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में और थीटा निकालना है tan इनवर्स b / a के फॉर्म में, तो आपको मिल जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो है z का आंसर जो है 155.32 और एंगल 86.3 yes, ठीक yes, है। तो ये मुझे Z मिला है, Z देखिए अब मुझे दोनों मिल गए, मैग्नीट्यूड भी और फेज एंगल भी, इज इट और नॉट। तो अब आई कैन मूव फर्दर, सर बस दो मिनट जल्दी करिए, अब सर आ गए नेक्स्ट क्लास के लिए। तो Z आ गया आपको, अब हमें फाइन क्या करना है, Z आ गया तो I फाइन करना है, तो I इज इक्वल टू V बाई Z और V एंगल 0 डिवाइडेड बाई Z एंगल सम थीटा, तो ये आप लिखेंगे 100 वोल्ट है ना, 100 एंगल 0 डिग्रीज डिवाइडेड बाई Z कितना आया 155.32 एंगल 86.3 डिग्रीज, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया बताइए जल्दी, ऑलरेडी किसी ने लिख भी दिया है, ये करंट है, करंट भी आप दोनों लिखेंगे भाई, मैग्नीट्यूड और साथ में फेज एंगल, तो ये आएगा 0.644 एंगल माइनस 86.3 डिग्रीज एम्पियर्स के साथ, ठीक है। और यहां पर ओम्स मुझे लिखना है पक्का, इसका यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आई, ये इनपुट करंट हुआ, और आपको फिर और क्या फाइन करना है, इसके साथ साथ आपको फाइंड करना है वोल्टेजेस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, आपको वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वी आर इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इनटू रेजिस्टेंस आई आर, इज दिस और नॉट, ये समझ गए आप लोग, ये ठीक है। हाँ आपको फाइन क्या करना था, इनपुट करंट तो आपको मिल गया ये ऊपर, इसके बाद आपको वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स फाइन करना है, एलिमेंट्स कौन से हैं, आर एल और सी। तो वी आर इज आई इन टू आर, आई आपको ऑलरेडी मिला है 0.644 एंगल माइनस 86.3 डिग्रीज इन टू आर है आपका 10 एंगल 0 डिग्रीज, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6.44 तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा और एंगल दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एंगल ऐड होने पर माइनस 86.3 ही आएगा, ये हो गया आपका वी आर वोल्ट्स, समझ गए, इज दिस ओके। सर वोल्टेज का एंगल माइनस में आ सकता है, यहां आ सकता है, ये कौन सा वोल्टेज है, दिस इज नॉट सप्लाई वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर है ना, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तो जीरो पे है, लेकिन ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं और इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको वी देगा सप्लाई वोल्टेज, याद है ना, यस सर। हाँ सो दिस कैन बी नेगेटिव, इट्स नॉट मतलब इट्स नॉट एन इश्यू एट ऑल, ओके। देन वी एल नेक्स्ट, आई इंटू एक्स एल, यस और नो, यस सर, दैट्स ऑल, इसको भी फिर वैसे ही करिए, I कितना है 0.644 एंगल माइनस 86.3 डिग्रीज इंटू XL कितना आया था 314.159 एंगल 90, बताओ कितना आएगा जल्दी से बताओ, मुझे 201 आया, ठीक है, मेरे में आप में थोड़ा सा डेसिमल्स का फर्क हो सकता है, 201.1 लेते हैं, चलो आप ही का ले लेते हैं, एंगल एंगल बताओ जल्दी, 4 डिग्रीज है ना, 3.7, हाँ वो जो भी है 3.7, ठीक है। बस लास्ट VC इज इक्वल टू I इंटू XC, अब ये तो आप कर सकते हैं, आई एम लीविंग दिस टू यू, ठीक है सर, ओके, VC इज इक्वल टू I इंटू XC, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं।
ओके सर. ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार हमें करना पड़ेगा. मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हम ये कन्वर्जन करते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा सीधा सीधा पोलर फॉर्म में नहीं मिलता है, कभी कभी रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिल जाता है आंसर, तो उसको फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके रखते हैं इस तरह से. इज इस ओके? ओके सर. ओके, थैंक यू. अभी मैं रब कर रहा हूं क्योंकि सर आ गए, तो आई विल जस्ट कीप बोर्ड क्लीन फॉर हिम.